सर सर जैसा कि आप लोगों को लग रहा है, लग नहीं रहा, मतलब मैंने स्केटिंग शूज जो है वो पहन लिए हुए हैं। बच्चा है 14 साल का, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि इंडिया के लड़के को उन्होंने बीट किया है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मुझे बहुत सा डर लग रहा है। मतलब ये इनको पहनना इतना मुश्किल होता है और फिर चलना और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। एज उनकी 14 साल है, अलियान उनका नाम है, उनसे बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने कितने मिनट में कितने किलोमीटर फासला तय किया और कैसे किया और कहाँ से सीखा और कैसे मैनेज कर लेते हो। आज मैं नहीं चल के आ सकती, मेरे से चलने नहीं हो रहा। और वो देखो कैसे उधर चले जाओ, गिर जाओगे। मतलब मेरे से चलने नहीं हो रहा था और ये बंदा भाग के आ रहा था। मेरे पास कोई टॉफियां नहीं पड़ी आपको देने के लिए, तो आप भाग के आए ना टॉफियां लेने के लिए, कुछ भी नहीं है। कैसे हो आप? मैं ठीक हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटे 14 साल के हो, इतने छोटे से हो तो कैसे कर लेते हो ये? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। मैं भी कर रही हूँ पिछले आधे घंटे से प्रैक्टिस, बट नहीं हो पा रहा है। ये आधे दिन घंटे का काम नहीं है लेकिन। और अगर मैं ना इधर आगे पीछे गई तो फिर पकड़ लेना। खैर मैं बहन हूँ आपकी, ठीक है। बड़ा डर लग रहा है वैसे, कैसे मैनेज कर रहे थे? मतलब इतना, ये देखो गई, गई, गई। मुझे अलियान पे ट्रस्ट नहीं रहा, अलियान नहीं पकड़ेगा मुझे, इसने मुझे गिरने देना है अब। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इंडिया, उनके बच्चे को आपने बीट किया है, कोई खास दुश्मनी थी उससे? नहीं, दुश्मनी नहीं थी, लेकिन रिकॉर्ड उसने बनाया था, मैं क्या, अगर उसने किया तो मैं भी ट्राई करने में क्या जाता है, हम कर लेंगे। तो वो ट्राई किया था, हो गया था अलग अलग फजल करम से। प्रैक्टिस कितनी की थी? प्रैक्टिस, वेल मेरे सर साबिर है, वो इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने मुझे 2 मंथ्स में मेरी जो थी ना स्पीड, उन्होंने एक अच्छी खासी लेवल भी कर दी थी कि मैं वो रिकॉर्ड मतलब उसको टक्कर दे सकूं। उनका क्या रिकॉर्ड है? किनका? इंडिया के जो बच्चे हैं, उन्होंने कितने टाइम में कितने किलोमीटर? उन्होंने 5 किलोमीटर किया था, 19 मिनट और कुछ सेकंड में। अच्छा, और आपने, अलियान साहब ने? मैंने किया था 5 किलोमीटर 9 मिनट और 55 सेकंड। 9 मिनट और 55 सेकंड में 5 किलोमीटर आपने मतलब भाग दौड़ लगा दी है। भैया मेरे जीवन, क्या गाना है वो, राखी के बंधन को निभाना। आगे चलते हैं थोड़ी देर। हाँ जी, आ जाओ। क्यों मैं पीछे क्यों जा रही हूँ? मैं कहती हूँ आगे जाना, जा पीछे रही होती हूँ। ये देखें, फर्स्ट ये अपना पैर थोड़ा टिल्ट करके ना ऐसे, ताकि वो हो जाए। देखो फिर पीछे, थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। पीछे कोई आके धक्का लगा दे हमें, प्लीज। ध्यान पकड़ ले। ये पकड़ लिया। ध्यान से आगे नहीं जाना मैंने, आगे वो घास है, इधर खड़े हो। आगे घास नहीं है। अलियान मुझे ये बताओ कि कितनी एज में आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी, अभी आप 14 साल के हो? वेल, प्रैक्टिस इस तरह से मैंने की थी कि जब मैं छोटा था तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था स्केटिंग की, कि क्या चीज़ है, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे करना है फिर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट स्केट्स लेके दिए थे, चाइनीज स्केट्स, चाइनीज तो आपको पता किस तरह की होती हैं। हाँ। तो उन पर मैंने थोड़ा बहुत पहले बैलेंस वगैरह कर कुर के, फिर जब टूट गया मेरे वजन से, क्योंकि चाइनीज तो सह नहीं पाए। तो चाइना का माल है ना, कभी खराब हो जाता है। तो ना फिर मैंने छोड़ दी स्केटिंग, फिर कुछ साल बाद फिर अभी जा, फिर उसके बाद फिर मैं सर साबिर के पास गया, तो उन्होंने फिर मेरी स्पीड का लिए किया था। वैसे आपको पता चल गया होगा कि मैं आपका मुकाबला कर सकती हूँ, तो अगर मैं आपका कह रहे जी, अगर मैं आपका रिकॉर्ड बीट कर दूँ, मतलब आपने 9 मिनट और 55 सेकंड में किया है, मैं 5 मिनट में 10 किलोमीटर भाग के दिखा दूँ, तो क्या करोगे? अभी इधर आ जाओ। आज ना मेरा रोज़ है, रोज़ मैं इधर उधर नहीं जाती होती, मैं इधर ही हूँ, इधर ही खड़े होकर बात करते हैं। ये तो बात है, क्या रिकॉर्ड कैसे बीट करेंगे? प्रैक्टिस करूँगी ना, अभी देख लो, कर रही हूँ, ये देखो आगे पीछे हिल रहे हैं मेरे। ध्यान से। ये तो ये चोटे वगैरह या कितना मुश्किल होता है ना प्रैक्टिस करना, तो शुरू में तो इंसान को नहीं आता होता, अब इस तरह मैं लंगड़ी खड़ी हुई, ऐसे ही खड़े होते हैं सारे, तो फिर आपको कुछ चोटे वगैरह तो नहीं आई थी? मुझे बड़ी चोटें लगी हैं इस चीज़ को सीखने में, मेरा सर भी फटा हुआ है इस चीज़ को लेकर। तो अम्मी अबू ने साथ दे दिया कि खैर सर फटने दो, काम आना चाहिए। नहीं, वो मुझे शौक था, लेकिन वो उनका था कि मैं फिर छोड़ दूँ, लेकिन मुझे था, मैंने कहा, मैंने फोर्स अप किया कि मैंने नहीं करना है ये चीज़, ये मुझे शौक था बेसिकली। तो अब बड़े होके क्या करना है? आप बड़े होके मेरा ये है कि जैसे साथ से स्टडीज कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह बड़े होके कामयाब बिजनेस मैन जब बनूंगा तो मैं छोटा सा क्लब खोलूंगा जो इन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें सीखने के लिए। अच्छा। तो उन्हें मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे भी सिखाना। अच्छा जी।
तो अगर आपने मुझे सिखा लिया ना, मैं अगर चल पाई तो समझो क्या आप पक्के उस्ताद हो स्केटिंग के। I can walk and talk. ऐसे ये ना हमारे बस की बात नहीं है, जिसका वो कहते हैं ना, मैंने सुना था कि जिसका काम उसी को सांझे, तो अलियान का काम अलियान को सांझे, ये आपको मुबारक हो। थैंक यू। मैं नहीं कर सकती, और अलियान की वाकई हिम्मत है, माशाल्लाह माशाल्लाह काफी टैलेंटेड है कि उन्होंने इतनी सी उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। ये ऐसे ही बड़े प्यारे लगते हैं ऐसे। अलियान को आप लोगों ने बेस्ट ऑफ लक बोलना है, और इनके लिए दुआएं ढेरों सारी करनी है ताकि और रिकॉर्ड्स बना सके हमारे लिए, और इनके लिए ये भी दुआ करनी है स्पेशल कि इन्होंने जो एकेडमी ओपन करनी है ना ट्रेन करने के लिए बच्चों को, वो भी ये जल्द से जल्द ओपन कर लें। और मुझे पहले अलियान की स्टूडेंट हूँ मैं, दुआ करें कि अलियान मुझे भी सिखा दें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। हमें नहीं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।